कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधक, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। फॉर एग्जाम्पल, भाप होती है, भाप, भाप की वजन कितनी होती है, और वो हल्की भाप की यदि वजन को तोलोगे तो कितना होगा। पहले एक भाप के इंजन चलते थे, वो भाप बनाते थे, स्टीम, और वो भाप में कितना वजन होगा, वो उतने छोटे से वजन वाली भाप कितनी वजनदार गाड़ी को खींचती है। 40 डिब्बे भरे हैं और उसमें भी कोयला भरा हुआ, वजनदार, पूरी भरी हुई गाड़ी है, ट्रांसपोर्टेड है, और एक भाप जिसका वजन कुछ भी नहीं है, और वो इतनी बड़ी वजनदार वस्तु को खींच सकती है। तो आत्मा तो भाप से अनंत शक्ति संपन्न है, वो तो सारी दुनिया के भार को खींच सकती है, सारी दुनिया को। एक इतनी सी भाप, एक स्टीम थोड़ी सी तुमने पानी गर्म किया, उसकी ताकत इतनी, एक छोटा सा पेट्रोलियम अपनी आइटम प्लेन आकाश में उड़ता है, वो भी भाप से उड़ता है, पेट्रोल जलता है, जलने से भाप बनती है, और भाप के माध्यम से जहाज उड़ता है, उसी का रिएक्शन तो पीछे धुआं निकलता है। जब एक छोटे से पेट्रोल में इतनी ताकत है कि इतने बड़े प्लेन को उड़ा के ले जाता है, तो आत्मा तो इससे भी कई अनंत गुणी शक्ति संपन्न है। एक तीर्थंकर एक महाशक्ति होते हैं, उनके हाथों में इतनी शक्ति होती है पूरे 3 लोक को डमरू के समान घुमा सकते हैं, उनकी कनिष्ठा उंगली में इतनी ताकत होती है पूरे संसार के लोग रस्सी पकड़ के झूम जाएं तो वो यूं झुला देंगे। एक शरीर की ताकत बता रहा हूं, और शरीर की जब इतनी ताकत है तो बहुत बड़ी चीज है। आप लोगों को लगता है कई लोग ताकतवान होते हैं, दांतों से गाड़ी खींच देते हैं, प्लेन खींच देते हैं, ट्रक खींच लेते हैं, तो शक्ति का कोई और छोर नहीं है उसके लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा प्रश्न है महाराज जी कि जीव का जब मरण होता है तो आत्मा के प्रदेश शरीर के किस अंग से संकुचित होना शुरू होते हैं, और पूरे प्रदेश कहाँ इकट्ठे होते हैं? कहीं इकट्ठे नहीं होते, जिस प्रकार के अपने आत्मा है पूरा का पूरा ढांचा निकलता है। ये कहने में आता है आँख खुली रह गई तो आँखों से आत्मा निकली, मुँह खुला रह गया तो, ये कथन ठीक नहीं। जैसा शरीर है ऐसा पूरा का पूरा कपड़ा निकल, जैसे कपड़ा उतारते ना ऐसे वो शरीर को छोड़ देता है, और जब यहाँ से आत्मा निकल के जाती है तो उसका यही आकार रहता है। यदि लेटे हुए निकला है तो लेटा हुआ रहेगा, बैठा हुआ है तो बैठा हुआ रहेगा, खड़े हुए में यदि व्यक्ति के प्राण निकले तो खड़ा हुआ रहेगा, यदि करवट के साथ निकला है तो आत्मा ऐसे करवट के साथ निकल जाते। सपोज कीजिए सामने किसी को मरण करके जन्म लेना है, तो जैसा मैं बैठा हूँ ऐसे कि ऐसा आत्मा निकल जाएगा और वहाँ जाके संकोचित हो जाएगा, वहाँ जाके संकोच को प्राप्त होगा। रास्ते में तो ऐसे ही रहेगा संपूर्ण। मान लीजिए ऊपर जन्म लेना है तो सीधा ऊपर से निकलेगा, और मान लीजिए टेढ़ा जन्म लेना है, आत्मा जब शरीर से निकलती है तो अनुश्रेणी गति से, सीधा जन्म लेना है तो सीधा जाएगा, सीधा पूरी दिशाएं, नीचे ऊपर आजू बाजू। ये अब कोई आत्मा को जन्म लेना सपोज करो इस कोने में, तो आत्मा निकलकर यूं नहीं जाएगी, आत्मा निकलेगी पहले सीधी जाएगी और जहां पे जन्म वहां एंगल बनाएगी। यानी आत्मा की गति पटरी से होती है, आकाश में पटरियां हैं प्रदेशों की, जैसे आपका कपड़ा का ताना बाना होता ना, ऐसे ही तिरछी आत्मा नहीं चलेगी, आत्मा सीधा ऐसे जाएगी और फिर एंगल से ऐसे जाएगी। तो इस प्रकार से आत्मा अपना आकार लेके जाती है, किसी एक स्थान से नहीं जाती। जिस समय आत्मा निकलती है उस समय उसकी आँख खुली रह गई तो खुली रह जाएगी, मुंह खुला रह गया तो खुला रह जाएगा, ऐसा मानना चाहिए, उसको और कोई स्थान नहीं। अपूर्व साहब भिलाई से पूछते हैं, महाराज श्री आपने पानी छानने की विधि बताई थी लेकिन मैं उसको विस्तार से समझना चाहता हूँ। बात यह है कि हमें जीव तो दिखते नहीं पर पानी क्यों छानना चाहिए, और यदि पानी छानते हैं तो जीवाणी जो है उसमें हमें जीव दिख नहीं रहे, पर उसको आप कह रहे कुएं में पहुंचाओ, महाराज जी इसको जरा स्पष्ट समझा दें। दुनिया उतनी ही नहीं जितनी तुम देख रहे हो, दुनिया उतनी ही नहीं जितनी तुम देख रहे हो,
दुनिया उतनी ही नहीं है जितना तुम सुन रहे हो, दुनिया उतनी ही नहीं जितना तुम सोच रहे हो, दुनिया उतनी ही नहीं है जितना तुम चल पाते हो। दुनिया बहुत आगे है, बहुत बड़ी है। इतने नहीं है, तुम्हें जीव नहीं दिख रहा है इसलिए जीव नहीं है, ऐसी बात नहीं। आपको थोड़ी बहुत कहीं खुजली चलती है, आप वहाँ चश्मा लगा के देखोगे तो कोई जीव नहीं दिखेगा, लेकिन वहाँ कोई ना कोई छोटा जीव है जिसने आपको खुजली चलाई है और आपने खुजला दिया, वो तो मर गया। लेकिन वहाँ कोई ना कोई जीव था, इतना छोटा था कि वो इंद्रियों से भी देखने में नहीं आता। इसलिए कपड़े से छानने से क्या होता है, वो जो पानी के जीव हैं वो कपड़े से चिपक जाते हैं, कपड़े को पकड़ लेते हो, और पकड़ने के बाद जैसे ही तुम पानी को उल्टा करते हो, झालते हो, पुनः वो पानी में जाके ढूंढ जाते हैं। इसलिए तुम्हें दिखें या ना दिखें, पानी को छानना चाहिए। असंख्यात जीव पानी छानने के बाद, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेना, एक तालाब का एक कहीं का पानी लाना और एक बड़े मोटे कपड़े से छानना, उस कपड़े को आप पहले माइक्रोस्कोप से देख लेना और फिर छानने के बाद उसको माइक्रोस्कोप से देखना, हजारों लाखों मछलियों जैसे जीव चलते दिखेंगे तुम्हें, जैसे पानी मछलियां चलती दिखनी, हजारों उस गीले कपड़े में, सूखने के बाद मर जाएंगे। जैसे ही आपने पानी छाना, पानी छानने के बाद उस कपड़े को माइक्रोस्कोप के सामने रख दीजिए और आपको ऐसे ऐसे जीव चलते दिखेंगे, आप देख के दंग रह जाओगे, इतने जीव पानी में हो सकते हैं। एक बूंद पानी में 36,450 जीव होते हैं, ये तो विज्ञान की खोज है, हमारी खोज नहीं, हमारे धर्म शास्त्रों में तो असंख्यात है। विज्ञान ने आज के समय एक पानी में 36,450 बैक्टीरिया पाए और वो जीव चलते हुए उन्होंने देखे, कितने 36,000, एक बूंद, एक सुई की नोक के बराबर बूंद है पानी की, उसमें 36,450 जीव अपना जीवन जी रहे हैं। तो जब माइक्रोस्कोप से देखने में आ रहे हैं तो इससे तो और ज्यादा सूक्ष्म जीव हैं जो ज्ञान में देखने में आते हैं। महेंद्र जैन इंदौर से, गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, कोई व्यक्ति सच्चे देव सास गुरुओं के प्रति श्रद्धान करते हुए मंदिर जी में आपके आशीर्वाद से अच्छा करने का भाव रखते हुए सभी के सहयोग से अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ संकीर्ण सोच वाले लोग उसमें कमी ढूंढकर उसे गलत तरीके से प्रचार कर समाज को विखंडित कर रहे हैं। महाराज जी, जो व्यक्ति सभी के सहयोग से अच्छा कर रहा है उसे इस स्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए? यही तुम्हारी परीक्षा है। संसार में यदि विरोधी नहीं हो तो इस संसार खत्म हो जाएगा। संसार में कोई व्यक्ति अच्छा चलने के लिए बाध्य कर रहा है तो वो विरोधी है, विपक्षी है। यदि वो नहीं हो तो होता ना तो तुम सो जाते। राज्य जो हैं, देश जो हैं, वो पार्टी नहीं चलाती, विपक्षी चलाता है। विपक्षी के डर से पार्टी चलती है कि उनको मालूम है कि अभी मैंने कुछ गड़बड़ किया तो विपक्षी चिल्ला पड़ेगा, वो माहौल बिगाड़ देगा, अरे भाई करो भाई, देखो मामला है। इसलिए कबीर ने कहा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक आलोचकों से डरते क्यों? यदि तुम्हारे पास सांच है तो आलोचकों से डरने की जरूरत नहीं। आप लोग तो पिक्चर देखते हैं ना, पिक्चर में, पूरी पिक्चर में कौन पिटता है? कौन पिटता है पूरी पिक्चर में? हीरो पिटता है। हीरो पिटता है, 5 मिनट मात्र हीरो को मिलते हैं अंत के, और पूरी पिक्चर में दादागिरी किसकी चलती है? खलनायक की। खलनायक जितने अत्याचार जितना, और हीरो तो कितने बार तो मरते मरते बचता है, कई बार तो ये सोचते कि गया, और पूरी पिक्चर के अंदर खलनायक चले, अंत के जब 5-7 मिनट मचे उतने में वो हीरो क्या करता है? पलट देता है। तो चिंता मत करो, हीरो बन के जियो, दुनिया को खलनायक बने रहने दो, पिक्चर का अंत विजय से होगा, दिग्विजय सिंह। श्रीमती प्रियंका जैन सैटेलाइट इंदौर से, गुरुवर नमोस्तु। नमोकार महामंत्र बोलते समय कुछ लोग नमो एवं कुछ लोग नमो, महाराज श्री हमें पता नहीं है कौन सा उच्चारण करना चाहिए और इसमें कैसा दोष लगता है? नमो नमो और नमो ना बोलना चाहिए, टठ ना,
ना बनता है ना हिंदी का ना बोलना, ना नहीं बोलना चाहिए। शोरसैनी और एक अर्धमागधी, दो प्राकृत भाषाएं होती हैं। अर्धमागधी प्राकृत भाषा में ना बनता है ताथा धरण ना, और शोरसैनी प्राकृत में टाठा डरण ना, और ना बोलना चाहिए। रंजना जैन दोसा राजस्थान से, नमोस्तु महाराज जी, भगवान जी के मस्तक पर मूर्तियों पर गोल गोल आकार के ये क्या बने रहते हैं महाराज जी? ये बालों की एक डिजाइन सेट कर दी है, अलग अलग प्रकार की डिजाइनें होती है ना, घुंघराले बालों को सेट कर दिया जाता है, और कोई भी शिल्पी की कला है। रचना जैन मुंबई से, गुरुदेव नमोस्तु, हम मुंबई में रहते हैं और हमारे यहाँ पानी वाले श्रीफल ही मिलते हैं और हम भगवान को वही चढ़ाते हैं, तो सूखा श्रीफल चढ़ाना चाहिए या पानी वाला? कोई बात नहीं, जैसा मिल जाए वैसा चढ़ाओ, चढ़ाओ तो सही। सुदेश जैन आसाम डिब्रूगढ़ आसाम से, नमोस्तु गुरुवर, अगर किसी के ग्रह में सुआ सूतक हो जाए तो उनकी पीढ़ी कहाँ से गिनना चाहिए, और गोत्र में किसी का हो जाए तो उसका सूतक कितना दिन का होता है? पीढ़ी का गणना करना चाहिए घर के जो मुखिया है, बच्चों से मतलब नहीं है, दो परिवारों के जो मुखिया जिंदा हैं उन मुखियों की जो पीढ़ी पड़ती हो उसी को पीढ़ी की गणना में रहना चाहिए। जैसे दादाजी पिताजी और पोता तीन हैं, तो दादाजी से पीढ़ी गिनी जाएगी, पिता से और बेटे से कोई लेना देना नहीं, तो दोनों घर के जो मुखिया हैं उनके अनुसार पीढ़ी की गणना होती है। ऐसा गोत्र का जो संबंध होता है यह पीढ़ियों से ही होता है, आपका उनके साथ किस प्रकार संबंध है वैसा माना जाए। श्रीमती विजय जैन गुना मध्य प्रदेश से, नमोस्तु महाराज जी, महाराज जी चौथी पीढ़ी में मरने का पातक कितने दिन का लगता है? कहाँ पे? चौथी पीढ़ी में मरने का। चौथी पीढ़ी के बाद कम होता है, चौथी पीढ़ी तक तो पूरा लगता है, चौथी के बाद फिर कम होता जाता। श्रीमती हीरा जैन अंकुर कॉलोनी सागर से, नमोस्तु गुरुवर, तीर्थंकरों के 14 देव कृत अतिशय होते हैं जिसमें एक अतिशय गंधोदक वृष्टि कहा है, गंधोदक देव लोग अतिक्रम चैत्यालय से अभिषेक करके लाते हैं यहाँ? ये प्रश्न परसों आया था, परसों इसका जवाब दिया जा चुका। अच्छा। अंकुर कॉलोनी से ऋषभ कुमार जैन, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, मतलब यह है कि केवली भगवान सभी गे पदार्थों को जानते हैं फिर भी अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, जबकि प्रभु सब पदार्थों को जानते हैं तो उनका उपयोग पदार्थों के जानने में लगता होगा कि आत्मा में लीन होने में? प्रतिफलंती मालिका है, दर्पण तल यो सकला प्रतिफलंती मालिका यश्य, जैसे दर्पण में पदार्थ झलकते हैं, आपका चेहरा झलकता है, दर्पण को कोई खबर नहीं है, ऐसे ही भगवान के ज्ञान में सारा तीन लोग झलकता है, भगवान को कोई खबर नहीं, वो तो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। यदि वो इतने सारे उनके ज्ञान में झलक जाए तो उनको तो बड़ा क्लेश हो जाए, इसलिए सारा संसार उनके ज्ञान में झलकता है, वो जानते नहीं, वो तो निजानंद रसलीन, वो तो अपने आत्म स्वभाव में ब्रह्म स्वरूप में लीन रहते हैं, संसार संसार में रहता है। बीना जैन, मेरी जिज्ञासा है, नमोस्तु महाराज जी, जिज्ञासा यह है कि यदि कोई लेडी माँ बनने वाली है तो उसे कौन से शास्त्र को पढ़ना चाहिए और उसके उसकी दिनचर्या कैसी होना चाहिए? अपने कुलाचार के अनुसार, अपने कुल धर्म के अनुसार उसको अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। वो अपने बच्चे को कैसा चाहती है उस वातावरण में उसको ढालना चाहिए। वो अपने बच्चे को किन बुराइयों से बचाना चाहती है उन बुराइयों से स्वयं को बचना चाहिए, क्योंकि बच्चे के ऊपर माँ बाप का संस्कार पूर्णता पड़ता है। उस समय यदि तुम्हारे परिणाम और बच्चे का संस्कार माँ बाप पर पड़ता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, मैंने कल कहा था ना, एक माँ के पेट में बालक आया, वो उसको इतना क्रोध आया, वो कहती है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए तलवार से खून निकाल कर तुम्हारा खून पीऊँ, पति से कहती हो, और दोनों में कोई राग द्वेष नहीं है, कोई झगड़ा नहीं, बहुत प्रेम है, लेकिन गर्भ में बालक आते उसको ऐसा भाव आ रहा है, उससे पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है, बोली इच्छा है कि मैं तुम्हारी तलवार से कान खून निकाल कर पी जाऊं, ऐसा क्यों आ रहा है? देखना बड़े होने के बाद वो बेटा पूर्व भाव का बैरी था और उसने अपने पिता को बंदी बना करके जेल में डाला और राजगद्दी हासिल की।
अब ये देखो जो घटना घटी बड़े होने के बाद, वो बात आई और गई चली गई, वो भी भूल गए वो भी भूल गए। बड़े होने के बाद बेटा हुआ, पिताजी को बंदी बनाया, स्वयं के राज में जेल में डाला और राजगद्दी पे बैठ गया। उस समय लोगों को याद आया कि अरे ये सूचना तो मुझे उसी समय मिल चुकी थी जब ये गर्भ में आया था। तो बालक का प्रभाव माँ बाप पर, माँ बाप का प्रभाव बालक पर पड़ता है। आपको अपनी तरफ से कर्तव्य होना चाहिए कि आप बहुत सावधानी से अपने बेटे को वही संस्कार दें जैसा तुम चाहते हो और वैसा ही अपना जीवन यापन करें। ऐसी अवस्था में पढ़ने के लिए जिनसेन स्वामी का आदि पुराण, जिसे महापुराण भी कहते हैं, वह पठनीय है। विजय जैन मुंबई से, मुनिश्री को त्रिकाल नमोस्तु। मुनिश्री, हर द्रव्य और हर पर्याय को अपने को प्रकट करने की क्या उसकी सीमा होती है? कोई सीमा नहीं, वो आपके अधीन है। दो प्रकार की पर्याय होते हैं, एक सहज रूप से होता है और एक प्रायोगिक होते हैं। नैसर्गिक पर्याय तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, प्रायोगिक पर्याय तुम्हारे हाथ में है। तुम एक वस्त्र को किस तरीके से फाड़ना चाहते हो, और एक कोई भी नहीं पहनेगा तो भी, एक व्यक्ति ने एक कपड़ा खरीदा उसने अटैची में रख दिया, और एक व्यक्ति ने कपड़ा खरीदा पहन करके 2 साल में फाड़ दिया, और उसने कहा मेरा कपड़ा देख, तूने 2 साल में फाड़ दिया, मेरा कपड़ा अभी भी सुरक्षित रखा है, 10 साल बाद निकाला पूरा कपड़ा छार छार हो गया। निर्णय आपको करना है कपड़े का नाश किस तरीके से करना है, फैसला आपके पास। छार तो होना, वो नाश तो हो गई होगा, लेकिन तरीका आपको निकालना है कि मुझे किस तरीके से पर्याय, जिंदगी कैसे जीना है, हंसते रोते कैसे जीना है, वो निर्णय हमारे है। जन्म और मरण हमारे हाथ में नहीं है, ये अतीत की कोई कहानी है। अतीत में मैंने कुछ किया, मेरा जन्म हो गया, मरण निश्चित है, लेकिन जीवन हमारे हाथ में है। जन्म और मरण हमारे हाथ में नहीं है, जीवन हमारे हाथ में कि हम किस तरीके से जीना चाहते हैं। हंसते हुए जीने तो कोई रुला नहीं सकता, और रोते ही जीना है तो उसे कौन रोक सकता है। इसलिए जिंदगी ऐसी जीना चाहिए जिसमें हर क्षण से मस्तक ऊंचा उठे, हर क्षण में हमें गौरव लगे कि मेरा आज की जिंदगी जीना बहुत गर्व की बात है। आज मैं जिंदा हूं, मुझे आज पर गर्व है। शाम को जब तुम सोने पहुंचो तो ये गर्व की अनुभूति होना चाहिए, आज मेरा जीवन में जो मेरे से हुआ है उस पर मुझे गर्व है। और हर दिन जो व्यक्ति शाम को अपने खुद का आशीर्वाद लेके सोता है, संसार में कभी उसको कोई बर्बाद नहीं कर सकता। विशाल खुद का आशीर्वाद, भगवान का नहीं, गुरु का नहीं, ये आशीर्वाद तो कथनचित अपना खुद का आशीर्वाद लो, खुद का आशीर्वाद लो। शाम को लौटने के बाद आपको कैसी फीलिंग हो रही है, कैसा लगता है कि आज मेरा जीवन बहुत गौरवान्वित है, आज मैंने कुछ अच्छा किया। अपनी आत्मा भी अपन को आशीर्वाद देती है, बहुत कोसती भी है, बुरा करके लाओ तो रात में नींद नहीं आने देती, कोसती है बार बार मैंने बुरा किया, और अच्छा करके आओ तो बार बार एक उछलता है आनंद। तो जो व्यक्ति अपना खुद का आशीर्वाद लेना शुरू कर देता है वह अमर हो जाता है, उसे कोई मार नहीं सकता। और वो आशीर्वाद हमारे हाथ में खुद है, हमारे आचार में है, हमारे विचार में है। हमारा आचार और विचार दोनों एक हो जाते हैं, वहाँ खुद का आशीर्वाद खुद को मिलना चालू हो जाता है। श्रीमती प्रज्ञा जैन मंडला से, नमोस्तु गुरुदेव। उत्तर पुराण के इतने सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं तो उसको हम आगे कैसे पढ़ें? कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको ग्रहण नहीं किया जाता, पढ़ा जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको ग्रहण नहीं किया जाता, देखा जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं सुनी जाती हैं लेकिन ग्रहण नहीं किया जाता। अच्छे लोगों की बातें सुनी जाती हैं, हमारे शास्त्रों में आया, गंदी बातें कान में आएंगी तुम सुनना मत, गंदी चीज सामने आएगी देखना तुम ग्रहण मत करना। कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो प्रक्षेपक बन जाती हैं, उन बातों को आप पढ़ लीजिए और पढ़कर आगे बढ़ दीजिए, क्योंकि किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को, जहाँ पर थोड़ी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वहाँ से थोड़ा स्पीड बढ़ाकर आगे निकल जाइए तो आपको, और जहाँ पॉजिटिव ऊर्जा हो वहाँ थोड़ा स्पीड को धीमी कर दीजिए
तो बहुत अच्छा है, यही नीति है। दूसरा प्रश्न है कि महाराज जी तत्व विद्या ये क्या होती है? तत्व विद्या का अर्थ है हे उपादे, किसी भी कार्य करने के पहले देखें कि इससे मुझे लाभ क्या है, इससे मुझे हानि क्या है, और इस ग्रहण करने के बाद जो मैं जिस पोजीशन में हूँ यहाँ से नीचे गिरूंगा या ऊपर उठूंगा। कोई भी किसी भी चीज़ को आपने जैसे देखा, एक मिनट रुक जाओ, इसको देखने के बाद मेरी इज्जत गिरेगी या बढ़ेगी? यदि किसी ने मुझे देख लिया कि मैं यहाँ देख रहा था तो मेरा मान बढ़ेगा कि सम्मान बढ़ेगा? कोई भी कार्य करते समय जैसे कार्य करने के बाद मेरी इज्जत बढ़ेगी या घटेगी? हर चीज में यही देख लीजिए, कोई भी चीज में। किसी के साथ तुम संगति कर रहे हो, इसके साथ में संगति मिलने पर समाज में दुनिया में मेरी इज्जत बढ़ेगी या घटेगी? इससे बात करने में मेरा इज्जत बढ़ेगी या घटेगी? ये हर स्थान पर यदि यही रखें, इसी को आपके व्यवहारिक दृष्टि से आपके लिए तत्व दृष्टि कहा जा सकता है। निधि जैन न्यू रोहतक न्यू दिल्ली। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि भगवान की प्रतिमा पर जो चिन्ह होते हैं उस चिन्ह से तो मूर्ति पहचानी जाती है, भगवान कैसे पहचाने जाते उस चिन्ह से? भगवान का भी एक चिन्ह होता है, कोई ना कोई उनके दाएं पैर के अंगूठे के अंदर एक रेखाओं से बना हुआ, जैसे महावीर स्वामी का चिन्ह शेर है। तो शेर कैसे आया उसमें? तो जो भगवान का जब जन्म हुआ तो उनके दाएं पैर के अंगूठे पर रेखाओं से शेर बना था, उस रेखा आकृति को देख करके यशोधर्मेंद्र ने चिन्ह घोषित कर दिया। आदिनाथ भगवान को बैल बना हुआ था, तो दाएं पैर के जहां अंगूठा और नाखून होता है ना, नाखून और अंगूठे के बीच का जो सामने का हिस्सा होता है, तो वहां पर रेखाओं से बना रहता था, कोई पेंट से नहीं, जैसे अपने हाथ में रेखाएं बनी है ऐसी रेखाओं में शेर की आकृति बनी थी, तो वो चिन्ह भगवान का बन दिया जाता। मुकेश जैन इंदौर से, मेरे आराध्य गुरु नमोस्तु। पूज्य श्री, जब हम अभिषेक की और शांतिधारा की पूरी तैयारी कर लेते हैं और उसी बीच में कोई व्यक्ति आए और कलश लेके चला जाए, शांतिधारा का झारी लेके चला जाए नत्र दूसरी वेदी पर, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? शांति से भगवान को नमोस्तु करना चाहिए। वो तो तुम्हारे लिए अशांति करने आया है ना, वो तो तुम्हारा बीच में लोटा इसलिए छुड़ाया है कि उसको जलन हो रही कि तू कहीं पुण्य कमा ले। यदि वो लोटा छीन के ले लिया और तुमने क्रोध कर लिया तो वो सफल हो गया, तुम फेल हो गए। वो जैसे लोटा छीन के ले जाए आपके हाथ ऐसे ही रहना चाहिए, आपका अभिषेक चल रहा है, लोटा ही तो ले गया ना, ना भगवान को ले गया ना तुम्हें ले गया, बीचा लोट कर ले गया, लोटा ले गया, ले जाना दे, क्या बात हो गई? आपका हाथ ऐसे ही रहना, मान लो आप यूं अभिषेक कर रहे हैं और वो लोटा ले गया, आपका हाथ ऐसे ही रहना चाहिए। आपका अभिषेक चालू है, आपका पुण्य चालू है, भगवान की भक्ति चालू है, और उस समय भगवान कह रहे वारे भक्त, लोटा लुटने के बाद भी अभिषेक चालू है। रावण को विद्या सिद्ध कैसे हुई? रावण जब विद्या सिद्ध करने बैठा था, माला फेर रहा था, उस समय अंगद और हनुमान जी वगैरह उनको विघ्न डालने गए, हाथ पर अलग कर दिए, वो ऐसे माला उसी कैसी है, वो माला फिर रहा है। कितना भी विघ्न डाला उसने कहा तुम कितनी माला छीन लो, कुछ भी छीन लो, मेरा जाप बंद होने वाला नहीं है। तो लोटा छीन ले गया, लोटा बीच में ही था ना, भगवान हो तुम तो मौजूद हो ना, तुम्हारे मन में क्लेश बिल्कुल भी नहीं आए, बिल्कुल भी। जो भक्ति चल रही है वह भक्ति चलने दो, छीन लाने दो माला क्या फर्क पड़ता है, छीन लेने दो लोटा क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी भक्ति यथावत चलने दो, वो हार जाएगा और तुम जीत जाओगे और सही भक्ति दोगे। और तुमने कहा लोटा छीन, अच्छा तू लोटा छीना देखता हूं मैं, तो वो कहता मैं यही तो चाह रहा था तू इधर तो हार। तो ये सोचना चाहिए अपन को, उस समय अपनी परीक्षा है, वो तुम्हारा एग्जामिनर बन के आया है और एग्जाम में अपन को पास होना है। ममता काला सूरत भटार से, सूरत से, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री हम लोगों को 24 भगवानों का चिंतन मनन ध्यान कैसे करना चाहिए? अच्छे भावों से, अच्छे परिणामों से। मैंने पहले कह दिया जिस बात में हमारा जीवन गौरवान्वित हो, शाम को घर लौटते समय कुछ ऐसा लगे कि आज मैंने कुछ अच्छा सोचा है, आज मैंने कुछ अच्छा देखा है, आज मैंने कुछ अच्छा सुना है, पता नहीं क्यों आज बहुत अच्छा लग रहा है, शाम को घर जाते समय ऐसा लगे पता नहीं क्यों आज अच्छा लग रहा है,
और शाम को सोते समय अच्छा लगेगा तो सुबह उठते समय भी लगेगा, पता नहीं क्यों आज सुबह बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह अच्छा लग रहा है समझ लेना आज दिन में कुछ अच्छा होने वाला है, और शाम को अच्छा लग रहा है इसका अर्थ आज कुछ अच्छा हो गया है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। सर, जिन गुरुवर का आज तक टीवी और मोबाइल में ही देखा, उन गुरुवर का साक्षात दर्शन करके ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति हो गई कि उसे साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। हे गुरुवर, आपके चरणों में मैं श्रीमती सोनल आशीष जैन अहमदाबाद से अपने और अपने परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु करती हूँ। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि कितने क्षेत्रों पर ऐसा देखा गया है कि किसी मंदिर में तो खूब दान आता है और उन्हीं से लगे हुए मंदिरों में पर्चे टांगकर दान की मांग की जाती है, तो क्या भगवान के अतिशय में इतना भेदभाव है या अतिशय भगवान में नहीं भक्तों की भक्ति में होता है, तो भक्तों की भक्ति में भी क्या भेदभाव है? दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं। भगवान तो सभी समान होते हैं, लेकिन भगवान की मूर्तियां एक समान नहीं होते, मंदिर के भगवान के मंदिर एक समान नहीं होते। कभी कभी मूर्ति जो है ऐसे स्थान पर बैठ जाती है, ऐसे दातार के द्वारा बैठी जाती है और ऐसे गुरु के द्वारा प्रतिष्ठित कर दी जाती है कि वो मूर्ति का चमत्कार होता है, भगवान का नहीं। भगवान तो सब एक समान होते हैं, मूर्ति के अंदर कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं, किसी ऐसे महागुरु ने उसकी प्रतिष्ठा की होगी, ऐसे किसी महादानी ने बैठाना होगा, और कभी कभी पाषाण स्वयं इतना पावरफुल होता है, ताकतवर होता है कि वो सारे जगत को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो इस प्रकार की विशेषता मूर्तियों में होती है, सदा से होती आई, अकृत्रिम चैत्यालयों में भी ये होता है। स्वर्गों में 500 धनुष की मूर्ति होती है, लेकिन नंदीश्वर द्वीप में जो बैठी हुई मूर्तियां हैं वो सारे देवताओं के लिए विशेष आकृति एक है, सब कुछ एक है। संसार के किसी भी मंदिर में चारों प्रकार के देवता एक साथ कभी भी 8 दिन के लिए नहीं जाते, लेकिन नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं, वहाँ की मूर्तियों की एनर्जी ताकत होती है, ये होता है। गुरुदेव के पावन चरणों में हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय जयवर्धन सिंह जी के साथ आए राघोगढ़ के सभी भक्तों की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, 1 महीने पूर्व मैंने आपसे एक जिज्ञासा की थी, मैंने समोसरण और केवली भगवानों की गंधकुटी का अंतर आपसे जाना था। आज उसी से जुड़ी हुई मेरी एक जिज्ञासा और है महाराज जी, कि तीर्थंकर भगवान के समोसरण में श्रावक अपने प्रश्नों का उत्तर भगवान से प्राप्त करती हैं, क्या गंधकुटी में विराजमान केवली भगवान भी इसी तरह के शंका समाधान करती हैं? साथ ही महाराज जी, मेरी इस जिज्ञासा के साथ ही आपसे 1 मिनट का समय लेकर मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि पूरा देश देख रहा है, इंदौर में आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से जो प्रतिभा स्थली का निर्माण हुआ है, उस प्रतिभा स्थली की जो भूमि है उसका NOC टाउन एवं कंट्री विभाग से नहीं हुआ था, 10 साल से वो प्रकरण लटका हुआ था। जब हमारे आदरणीय जयवर्धन सिंह जी मध्य प्रदेश शासन में मंत्री बने, उन्होंने इस कार्य को प्राथमिकता से लिया और उस कार्य को संपन्न कराया। ऐसे हम हमारे यशस्वी विधायक जी की यहाँ पर बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं, और आपने आशीर्वाद दिया इसके लिए भी हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। महाराज जी, मेरी शंका का समाधान करने की कृपा करें। जब तीर्थंकर समोषण में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं होते हैं, एक व्यवस्था होते है मूल मंडप, तो जिस समय भगवान स्वयं बोलते हैं उस समय सबके प्रश्न अंदर उठते हैं, लेकिन जैसे ही प्रश्न उठता है अपने आप भगवान के मुख से उनका समाधान हो जाता है। वहाँ आपकी जिज्ञासा जैसे पूछने के लिए खड़े नहीं होना पड़ता, वहाँ जैसे अपने मन में विचार आएगा उधर भगवान की तरफ से उत्तर अपने आप आ जाता है, स्वतः ही आ जाता है। दूसरी ओर जब भगवान मौन रहते हैं, क्योंकि 24 घंटे में 3 बार भगवान बोलते हैं, 2.5-2 घंटे, 2.5 घंटे प्रातःकाल, मध्यान्ह में और संध्याकाल, शेष समय भगवान मौन रहते हैं। उस समय जो गणधर केवली होते हैं
उनके स्तूप बने हुए मंडप के चारों तरफ, छोटे मंडप, स्तूप मीन्स छोटे मंडप, उन छोटे मंडपों पर जाकर के गंधर्व परमेष्ठी और सामान्य केवलियों के उपदेश होते हैं। वहाँ लोग अपने प्रश्नों की जिज्ञासा पूछ करके कहते हैं, समोषण में बिना पूछे होती है और जो गंध कुटियाँ जो होती हैं वहाँ पूछ करके होती हैं। ये दोनों में अंतर जानना चाहिए। श्रीमती सोनल जी जैन गुना और इनके पश्चात मुकुल जैन सूरत तैयार है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी। हम कई बार देखते हैं कि रोड पे कई बार कई लोग नारियल रख देते हैं, नींबू रख देते हैं, मटका रख देते हैं, और कहने में आता है कि अगर गलती से भी आपका पैर लग गया या गाड़ी का टायर भी टच हो गया तो आपका बुरा समय शुरू हो जाता है। तो उनमें ऐसी क्या शक्ति होती है कि इतना डर लगता है कि लोग दूर दूर से निकल जाते हैं? डर तो दो चीज़ों का होता है कि व्यक्ति को ये डर लगता है कि मैं इतना पावन पवित्र नहीं हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे द्वारा किसी पवित्र शक्ति का अनादर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये महाशक्ति हो, किसी पूज्य वस्तु हो, ये पूजा का नारियल हो, पूजा का श्रीफल हो, कहीं ऐसा ना हो इसका अनादर हो जाए। हमेशा कोई भी चीज़ का सम्मान करने का जो भाव होता है उस भावना के कारण से व्यक्ति डर जाता है। कभी भी कोई चीज़ जब सम्मान में दी जाती है तो उसका सम्मान किया जाता है, उसका अनादर नहीं किया जाता। तो इस कारण से लोगों को भय लगता है। वह भय नाजायज नहीं है, वह किसी की आस्था और श्रद्धा का सम्मान है। श्रीमती साधना जी जैन राधोगढ़ और इनके पश्चात संजीव जैन भोपाल तैयार। हे साधु परमेष्ठिन, राधोगढ़ सांडा कॉलोनी समस्त महिला समाज और मेरे परिवार की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि आश्रम में मिथ्यात अविरधि प्रमाद कसाय और योग निमित्त बनते हैं, तो आश्रम में उपयोग की क्या भूमिका रहती है? उपयोग सब इन्हीं के साथ उपयोग, मिथ्या अवरधि प्रमाद कषाय इन्हीं में तो उपयोग है। उपयोग जब मिथ्यात के साथ हो जाता है तो मिथ्या उपयोग कहलाता है, प्रमाद के साथ हो जाता है तो प्रमाद उपयोग कहलाता है, कषाय के साथ हो जाता है तो कषाय उपयोग कहलाता है। एक उपयोग ज्ञान उपयोग होता है, ये जिसकी संगति में आता है वह वही नाम पाया जाता है। इसलिए उपयोग ही बंद का कारण है। अब उपयोग के ये पांच नाम हैं, वो जिसकी संगति में जाता है उपयोग को वह टाइटल मिल जाता है, लेकिन बंद तो उपयोग से ही होता है। संजीव जी जैन भोपाल और इनके पश्चात ईशिका जैन आरोहण तैयार। महाराज जी के चरणों में मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और भोपाल जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आज वर्तमान समय में जैन समाज में बिखराव चल रहा है, क्या भविष्य में जैन समाज एक हो पाएगी? यदि नहीं तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी इन धर्मायतों का संरक्षण कैसे कर पाएगी? कहीं बिखराव में हमें ये सोचना है कि उस बिखराव में एक इकाई हम स्वयं तो नहीं है? यदि हम स्वयं हैं तो हम स्वयं किसी से जुड़ने का प्रयास करें। जब व्यक्ति किसी को जोड़ना चाहता है तो बिखराव बढ़ता है, और जब किसी से जुड़ता है तो बिखराव मिटता है। हर व्यक्ति चाह रहा है कि ये व्यक्ति मेरे से जुड़ जाए, हर व्यक्ति चाह रहा है कि ये व्यक्ति मेरे से जुड़ जाए, मेरे से जुड़ जाए, कभी जोड़ नहीं होना। और यह व्यक्ति ये चाहे कि मैं किसी से जुड़ जाऊं तो तुरंत जोड़ चालू हो जाएगा, बिखराव का कोई कारण नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि सारी दुनिया मेरे से जुड़े, थोड़ा इसको बदल दो, मैं इस दुनिया के साथ जुड़ूंगा, सारी दुनिया एक हो जाएगी। इसी का जैन आरोहण और इनके पश्चात अंकित जैन विदिशा तैयार है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब द्वीपायन मुनि ने इतना पुरुषार्थ किया फिर भी वे द्वारिका को भस्म होने से नहीं रोक पाए, तो उनके भाग्य में ऐसा लिखा था कि उनके द्वारा द्वारिका भस्म होनी है। तो भगवान, जब सब कुछ भाग्य का ही होना है तो पुरुषार्थ क्या कर सकता है? पुरुषार्थ का दो रूप होता है। एक पुरुषार्थ वो होता है कि जो हमने खुद ऐसा कर्म बांध देते हैं जिसको हम टाल नहीं सकते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भगवान ने कह दिया कि द्वारका तुम्हारे द्वारा जलेगी तो हम आज से ही
घास लेट तेल लेकर माचिस लेके बैठ जाए, जब जलना ही है तो जला दो। नहीं, अच्छे इंसान का एक कर्तव्य होता है कि भली नियत क्यों ना हो लेकिन मैं पुरुषार्थ करूंगा। और जो उन्होंने पुरुषार्थ किया बचने के लिए, तो जो नियत था तो द्वारिका जली, और बचने का जो प्रयास किया उसमें उनको इतना पुण्य हुआ कि आगे वे दीपायन मुनि तीर्थंकर भगवान बनेंगे। कभी भी ये निश्चित हो जाए कि मेरे द्वारा इसका मरण होना निश्चित है, मैं किसी भगवान ने भी कह दिया कि तू इसकी हत्या करेगा तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? जब हत्या करेगा ही तो फिर बंदूक बंदूक तैयार कर लो। नहीं, मेरे द्वारा इसकी हत्या होगी? नहीं, मैं पूरी ताकत लगाता हूं, मैं इसको नहीं मारूंगा। तो जो 12 साल तक उनके मन में भाव आया कि मैं द्वारका नहीं जलाऊंगा, मेरे द्वारा द्वारका नहीं जलेगी, मैं ऐसा करता हूं कि जलाने अग्नि से जलाता है ना, तो मैं अग्नि जलाने का त्याग करता हूं, मैं मुनि बन जाता हूं। क्योंकि मुनि बनने के बाद फिर अग्नि जला नहीं पाऊंगा तो द्वारका जलेगी नहीं। पुरुषार्थ देखो, ताकत देखो, इतना पुरुषार्थ किया उन्होंने तो 12 साल में उनको इतनी रिद्धियां प्राप्त हो गई। और यही करुणा, भगवान के कहने पर भी द्वारका तेरे द्वारा जलेगी, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, मैं द्वारका को नहीं जलाऊंगा, और पूरी ताकत लगा के प्रयास किया। इस करुणा के परिणाम स्वरूप वो आगे तीर्थंकर बनेंगे, रिद्धियां प्राप्त की। लेकिन होनहार कभी कभी ऐसी हो जाती है कि पुरुषार्थ करने पर भी नहीं छूटती, ऐसे बहुत कम होते। 90-100 कर्मों में एक कर्म ऐसा होता है जिसको हम टाल नहीं सकते, लेकिन 99 कर्म ऐसे होते हैं कि हम उनको टाल सकते हैं, ऐसा मानना चाहिए। श्री मुकुल अंकित जी जैन विदिशा और इनके पश्चात मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरे एक फूफा जी हैं, वो शांत हुए थे 6 महीने पहले, तो भुआ को स्वप्न आया कि मैं आ गया हूँ। वो गेट पे, उनके स्वप्न में आया कि वो गेट पे खड़े हैं और गेट पे उनके दोनों चरण उछर गए हैं, मतलब। तो उसका क्या प्रतीक है? वो पोंछा भी लगा रहे हैं कुछ दिन से, मतलब 20-25 दिन की बात पहले की है, पोंछा भी लगा रहा है, उससे भी नहीं मिट रहा है, और ऐसा क्या हुआ गेट की? बिल्कुल बहुत अच्छा, इतना पक्का है कि वो दुर्गति में नहीं है, सदगति में। और महाराज जी एक और बात, आज मैं पूरे परिवार को लेके और आपके आशीर्वाद से यहाँ पे हम लोगों ने विधान भी किया और शांति धारा भी की, और आदिनाथ भगवान की महिमा को आज क्या, मैं तो 10 दिन और आपके सानिध्य में रुक के गया था, आदिनाथ भगवान का मतलब सब कुछ मिल गया गुरुवर, आज हमारे परिवार को सब कुछ मिल गया गुरुवर, और आदिनाथ भगवान की शक्ति बहुत। ओम शांति। सुसीमा जैन राधोगढ़ और उनके पश्चात केसी आरोन तैयार। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, मेरे और मेरे परिवार की ओर से आपको कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अनंतानुबंधी कषाय की स्थिति भी क्या हम पुरुषार्थ के द्वारा कम कर सकते हैं क्या? जैसे कि कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण और संक्रमण होता है, वैसे भी हम कषायों को भी क्यों नहीं कर सकते? कषाय कोई अलग से आकाश से नहीं आती, हम अपने अंदर से कषाय उत्पन्न कर सकते हैं, हम उस कषाय को रोक सकते हैं। यदि हमारी कषाय कहीं से आती होती तो बात अलग थी, वो तो हमारे अंदर से उत्पन्न होती है। जब चाहे हम कषाय कर सकते हैं, जब चाहे हम रोक सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधक, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।